सब लोग दिए जला रहे हैं। एक नहीं है, सारे इंडियन एक है। देख लो, देखो, वो देखिए, जय भारत, भारत माता, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो इंकलाब जिंदाबाद। गुड आफ्टरनून गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल स्वागत करती हूँ। सो आज डेट है 5th of April। आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया था ना कि हम लोगों को दिया जलाना है नाइट में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में एक रैंडम सा ब्लॉग शेयर कर दूं। एंड मेरा कोई मूड नहीं था ब्लॉग शेयर करने का, ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना, जो कि यूट्यूब की प्रथा है। सो मैं बाहर वाले रूम में इसलिए नहीं आप लोगों से बात कर रही हूँ बिकॉज वहाँ कूलर चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करता है हमारा फ्लैट। तो हम दोपहर में कूलर चलाते हैं, रात में नहीं चलाते हैं, ठीक है। मुझे पता है इस टाइम आपको गर्म चीज़ें खानी है, पीनी है और गर्मी में ही रहना है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो फिर राम बीमार हो सकता है, इसलिए हम लोग दिन में कूलर चला देते हैं, रात में नहीं। तो अब मैं चलती हूँ पढ़ाई करने के लिए, थोड़ी देर पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं आज आपके साथ में नाइट तक का ब्लॉग शेयर करूँगी। Say hi guys. No. No, Tana, no. Say hi guys. No, Tana, no. Chika chika. Te mar java. हुआ मेरा बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मा, कुछ नहीं हुआ मम्मा, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा मेरा, पहले बताओ क्या हुआ? राम भैया पी रहे हैं अपना दूध और अभी मेरा बहुत सारा बर्तन पड़ा है धुलने को। मम्मा कैसे कर रही है? गाइस इवनिंग हो चुकी है एंड आपने देखा हम लोगों का नाश्ता भी हो गया। अभी राम भैया का नाश्ता हो रहा है, राम भैया अभी नाश्ता कर रहे हैं, राम भैया अपना दूध पी रहे हैं और राम भैया के बालों का घोंसला बन चुका है जिसकी अभी हम लोग चोटी करेंगे। इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अभी कोई दुकान नहीं खुली तो हम लोग कटिंग भी नहीं करा सकते। एंड ये भाई साहब ये अपने स्किन केयर कर रहे हैं, फटाई बनियान पहने पीछे से। और यहाँ पर देखो मेरा कितना सारा बर्तन पड़ा है धुलने को यार। ये लॉकडाउन में इतना बर्तन निकलता है क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ तो खाना होता है, दिन भर बर्तन निकलता है मेरा 3 से 4 बार बर्तन धुलना पड़ जाता है मुझे। किसके साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बता। डंडा नहीं मिलेगा, पहले फिनिश करो फटाक से फिनिश। चप्पू हाँ चप्पू है, तुम पियो मारे नहीं तो फिर पियो। राम भैया का डंडा, ये आखिरी के 2 कॉल में रुक जाते हैं और फिर उसमें नाटक करते हैं, तो फिर मुझे डंडा उठाना पड़ता है। ओके सो चलिए अब देखते हैं सचिन क्या कर रहे हैं, किससे सीखते हैं? मन से, प्रकृति से। आपने किससे सीखा है ये सब कुछ करना, स्किन केयर? अपने मन से। आ हा हा हा,
क्यों? हाँ, क्या होता है? अरे अभी कह रहे हो प्रज्ञा ऐसे पील ऑफ कर लूँ कि स्क्रब कर लूँ? नहीं तो पूछ रहा था मैं तुमसे। हाँ तो फिर मतलब आप मेरे DIY हैक्स वगैरह अपनाते हो, आपको कैसे लगते मेरे हैक्स? अच्छा, समर हैक आपको पसंद आए थे ना? समर हैक्स वेरी गुड, वेरी नाइस। कौन सा वाला आपको ज्यादा पसंद आया? वो जो पॉटी से लगाते हैं, जो पॉटी से वाला। ज्यादा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? पॉटी लगाना मैंने कभी नहीं सिखाया। फिनिश हो गया, दिखाओ। ब्रावो ब्रावो बोलो। वेरी गुड राम। तो ऐसा नहीं है कि हैक्स केवल वीडियोस के लिए होता है, हम लोग इसको जेन्युइनली अपने शूट करते हैं व्लॉग्स में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप मेरी स्किन में ग्लो देख रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। सबको बांटे ये गोट माने बट्टी, जी फॉर ग्रेफ माने अंगूर, एच फॉर हेलीकॉप्टर, एच माने हाँ, आई फॉर आइसक्रीम, हाँ, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंसेक्ट माने मक्खी, जे फॉर जग, जग माने मग्गा, जे फॉर जकार, जे फॉर फिल्मिंग एंड अभी टाइम जो है वो 8:15 हो चुका है। और अब मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ कि जब मैं वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ उसके बाद मेरे रूम की क्या हालत होती है। मैंने अभी 2 वीडियो शूट किए हैं, एक हेयर स्टाइल का एंड माय आई शेडो पैलेट कलेक्शन, एंड उसके बाद मैंने टिकटॉक के 4-5 वीडियोज़ बनाए हैं। देन अब मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ, तो जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं वो मेकअप पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। आज तो मैंने मेकअप लुक नहीं शूट किया, जब मैं मेकअप लुक शूट करती हूँ तो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती है मेरे। एलईडी क्या बोलती हूँ मैं, रिंग लाइट रखी हुई है। तो अब 8:15 हो चुका है और 9 बजे हमको दिए वाला काम करना है, समेट लूँ तो या चलिए इसको समेट ले। सो गाइज बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं और अब सचिन यहाँ पर बना रहे हैं बत्ती, क्योंकि 9 बजने में आई थिंक 20 मिनट बाकी है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा देसी जुगाड़, क्योंकि अभी कहीं तो आइसक्रीम मिल नहीं रही। हालांकि सचिन मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि इस घर में 2 बच्चे हैं, तो एक राम के लिए और एक मेरे लिए। तो ये रही मेरी आइसक्रीम जो कि मैंने रसना से बनाया है, टेस्टी है, लेकिन अभी नहीं खा सकते क्योंकि राम देख लेगा, राम देख लेगा तो राम चिल्लाने लगेगा।
और सचिन ये बताओ कि तुमने पैसे कैसे रखे, तुम जो एटीएम से पैसे निकाल के लाए थे उसका तुमने क्या क्या किया है ये बताओ। तो क्या किया था आपने इन पैसों का पहले? देखिए खरे खरे नोटों का इन्होंने क्या किया जुगाड़ वो बताएंगे। ये कोरोना से बचने के लिए आप क्या करें? इनको मैं पन्नी से एटीएम की मशीन से बाहर निकालो, पन्नी थी वहाँ पर मेरे पास पॉकेट में, और इसके बाद घर लाया हो तो डेटॉल के पानी में इसको धुल दिया हूँ। फिर धुलने के बाद जब पूरे गीले हो गए तो इनको सुखा दिया हूँ, सुखाने के बाद फिर इसमें आयरन कर दिया, इस्त्री कर दिया। तो देखिए करेंसी बन गया, खरे खरे नोट एकदम कि पैसे गिर रहे भाई, तो एकदम खरे खरे नोट निकले। तो अगर आप भी पैसे निकालें, क्योंकि पैसों से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अगर आप भी पैसे निकालें तो इस तरह से धुल के और फिर प्रेस करके उनको यूज़ करें, तो ये जो है काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहा है। और यहाँ हमारे दिए भी बन चुके हैं, ये देखिए दिए बन रहे हैं, अभी दो दिए बना रहे हैं हम लोग, बाकी हम लोग फ्लैश जलाएंगे। ठीक है, तो अब क्या अभी नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट? कुछ नहीं, तुम कहोगे नहीं मैंने मेकअप क्यों किया है, बताओ ना क्यों मेकअप किया है, क्या है भाई? मोदी जी ने कहा है मैं मोदी जी की भक्त हूँ, तो मोदी जी के उसके उपलक्ष में मैंने मेकअप किया है, अब मैं मेकअप करके दिए जलाऊंगी। राइट गाइस, तो अभी आप बैकग्राउंड में देख लीजिए कहाँ कहाँ लाइटें जल रही हैं, और अब मैं देखना चाहूंगी कि 9 बजे क्या परिवर्तन आता है। तो हमारे यहाँ भी, यहाँ की मैंने दो लाइटें बंद कर दी, केवल एक जल रही है, जब अभी 9 बजने में 5 से 10 मिनट कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइटें वैसे हैं, ऑन है, लेकिन काफ़ी जगह बंद भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखना चाहूँगी कि 9 बजे के बाद क्या परिवर्तन आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लाइटें ऑन हैं अभी, और अब बस 10 मिनट बाद देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा होगा, यहाँ का लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अब आज का रिएक्शन देखना चाहूँगी, अभी मैं सबसे ऊपर वाली अपनी छत में भी जाऊँगी और मैं वहाँ से आपको पूरा दिखाऊँगी। तो अभी आप देख लो यहाँ पे लाइटें कैसे अभी जल। सो गाइज़, अब हम आपको दिखाते हैं, सब जगह अंधेरा हो चुका है, यहाँ अभी लाइटें जल रही थी, अभी अभी लाइट्स ऑफ हुई हैं, और ये जहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है ना, ये सब दिए हैं। और अभी मैंने आपको ऊपर का दिखाया था ना, अब मेरा इधर का देखिए, अभी सारा लाइट्स ऑफ हो चुका है एंड सब लोग दिए जला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडियन साथ नहीं दे रहे हैं, और यहाँ देखिए लोग तो पटाखे भी छोड़ रहे हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि ये बोला नहीं गया है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, खुशी मना रहे हैं। हाँ, खुशी मना रहे हैं सब, हम एक साथ हैं और इससे लड़ रहे हैं। और अब हम आपको अपने यहाँ का नीचे दिखाते हैं, ये हमने कैंडल ऊपर एक जला दी है, बाकी के जितने हमारे घर में दिए थे हमने सब नीचे लगा दिए, और अभी हमारे यहाँ भी अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पे भी देखिए वो हमारे यहाँ पे दिए लगा रहे हैं। भारत माता की जय, वहाँ से आवाजें आ रही हैं, भारत माता की जय, बोलो राम भैया, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, पूजा पाठ कर रहे हैं। बोलो जय भारत माता, माता बोलो भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, बोलो इंकलाब जिंदाबाद। मेरे घर से ही फ़ोन आ रहा है, मेरे पापा जी का फ़ोन आ रहा है, देखिए। एंड मोदी जी, आपने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है लोगों को एकजुट रहने का, और हम सब एक हैं और हम सब आपके साथ हैं, और आपका पूरा पूरा सपोर्ट है, और लॉकडाउन को जहाँ तक होगा हम लोग पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक सफल बनाया है और आगे भी बनाएंगे, हम लेकिन फिर भी देखिए मोदी जी सपोर्ट करने के लिए आ गए। बोलो भैया जय जय हर हर मोदी, हर हर मोदी। और मोदी जी, हम आपके पूरे हमेशा सपोर्ट करेंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। आप जो देशवासियों को, सभी लोगों को एक साथ करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे। और अभी तक हम लोगों ने लॉकडाउन का आपका पूरा पालन किया है, और आगे भी करेंगे, जितना दिन कहेंगे आप उतना दिन हम लोग करेंगे। बस
सभी देशवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि वो भी सभी लोग मिल करके मोदी जी का सपोर्ट करें, तभी हम लोग कोरोना जैसे महामारी से, एक वैश्विक महामारी से अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे और आगे हम लोग जीतेंगे। जय हिंद, जय। करती बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अभी भी सचिन को परेशान कर रहा है, तो मैं जल्दी से रोटी बना रही हूँ, उसको खिलाऊं और सुलाऊं। आई थिंक वो भूखा है या सोने के लिए रो रहा है, पता नहीं उसको क्या मूड उसका खराब हो गया, पटाखों से वो इतना डरता है कि पटाखों की वजह से उसने रोना कंटिन्यू स्टार्ट।